Assalamualaikum. My name is Sana and my roll number is 18311. हमने एलिप्स में काम करना है. एलिप्स में हम सबसे पहले स्विंग इंस्टॉल करेंगे. स्विंग इंस्टॉल करने के लिए हम हेल्प में जाएंगे, इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर में जाएंगे, ऐसे फिर नेक्स्ट हम जाएंगे और विंडो बिल्डर जनरल पर्पस से जाके विंडो बिल्डर डिज़ाइन स्विंग इन सबको हम टिक करके इंस्टॉल कर लेंगे. इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा फ्रेम. फ्रेम करने के बाद हम फाइल पे जाएंगे. फाइल में जाके हम न्यू पे जाएंगे. न्यू पे जाके हम प्रोजेक्ट में जाएंगे. प्रोजेक्ट का नेम रखेंगे. प्रोजेक्ट का नेम रखने के बाद हमने लॉगिन रखा. लॉगिन पे प्रोजेक्ट का नेम रखा. लॉगिन के बाद हम इसके SRS पे जाएंगे. SRS पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हम न्यू पे जाएंगे. न्यू पे जाके अदर्स में जाएंगे. अदर्स में जाके इसका नेम रखेंगे और नेम रखने के बाद हम इस फ्रेम में हम अपना काम करेंगे. सबसे पहले हम लेबल सबसे पहले ये फ्रेम लेंगे, इसको एब्सोल्यूट करेंगे. एब्सोल्यूट करने के बाद का ये फायदा कि हम जो भी करेंगे, मतलब ये कोड्स टेक्स्ट बॉक्स जो भी हैं, ये एक लिमिट में होंगे. हम जितने लिमिट चाहें उनकी कर सकते हैं. और सबसे पहले हम लेंगे जे लेबल. लेंगे जे लेबल लिया, उसका नाम हमने रखा. जे लेबल का नेम रखा हमने कोर्स. कोर्स का नेम हम यहाँ से रख सकते हैं. टेक्स्ट में जाएंगे. टेक्स्ट में जाके कोर्स का नेम, और इधर से हम उसके साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं. ऐसे हमने इधर जे टेक्स फील्ड ली, टेक्स फील्ड लिया, और इधर हमने एक और लिया जे लेबल. जे लेबल के साथ ही हमने टेक्स फील्ड लिया. लास्ट में हमने लॉगिन का बटन लिया. जे बटन का उसका नाम रखा हमने लॉगिन. इसके बाद हम बटन को डबल क्लिक करेंगे और इसकी सोर्स जाएंगे. सोर्स कोड में, सोर्स कोड में हमारे पास ये सबसे पहले हमने जे ले सबसे पहले हमारे पास ये पैकेज था. इसमें हमने फ्रेम रखा AWT और एक्सटेंड जे फ्रेम किया. और इसमें हमने पैनल लिए, टेक्स्ट फील्ड ली. इसमें हमने उसका नाम रखा, वेरिएबल लिया उसका BS, और टेक्स्ट वेरिएबल हमने रखा 50 BS 50,000. बाद में हमने क्लास क्रिएट की. क्लास क्रिएट करने के बाद हमने उसके डबल क्लिक किया और ये कोडिंग आ गई. उसके बाद हमने जे लेबल या जे लेबल करने के बाद हमने उसके साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू लेबल, और हमने रखा फील्ड का नाम, लेबल का नाम कोर्स. ऐसे ही उसकी लेंथ और सेट बोनस किया. ऐसे ही दूसरे लेबल में हमने जे लेबल में लेबल लिया, उसका नाम रखा हमने फी. और इसकी हमने ऐसे ही साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया. और इधर हमने लेबल जो टैक्स फील है उसका हमने वेरिएबल लिया, टैक्स वेरिएबल उसका नेम रखा हमने BS, और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और सेट कॉलम किया. इसके बाद हमने जे उसके बटन पे चलेंगे. जब बटन में हमने जे बटन लिया और उसके साथ हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. लो बटन का नाम रखा हमने लॉगिन, और ऐसे ही एक्शन लिस्नर फिर करेगा. और इसके बाद हमने जो भी प्रिंट करवाना है उसको हमने सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट में किया. और BS हमारे पास आ गया. हमने BS प्रिंट करवाना है और 50 उसकी फ़ी करवानी है 50,000. ऐसे 50,000 हो गया और इसकी अकॉर्डिंग हो गया. अब हम इसके डिज़ाइन में जाएंगे. डिज़ाइन में जाके हम अब इसको रन करेंगे. रन करने के बाद हम और इस फ्रेम में हमने जो उसकी
दिया था हमने, जो भी नेम वो रखा, बीएस हमने कोर्स का रखा था और फी हमने रखी थी 50,000 और 50,000। अब हमने लॉगिन पे क्लिक किया, हमारे पास ये आउटपुट आ गई। फर्स्ट लाइन में हमारे पास बीएस प्रिंट हो गया, सेकंड में 50,000। और अगर हम और कोई बटन लॉगिन हो गया, लॉगिन करने के बाद हम अब हम इसके साथ डेटाबेस कनेक्ट करेंगे, एसक्यूएल कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमने जैम इंस्टॉल किया, जैम इंस्टॉल करने के बाद हमने अपाची पे क्लिक किया, एसक्यूएल पे किया। स्टार्ट करने के बाद एडमिन पे गए, एडमिन करने के बाद एडमिन किया, और एडमिन करने के बाद हमने एडमिन किया, और एडमिट करने के बाद हमने न्यू टेबल क्रिएट करना है। हम न्यू पे गए, पहले से मैंने लॉगिन का टेबल क्रिएट किया है, लॉगिन का टेबल क्रिएट किया, कॉलम टू कॉलम्स लिए, उसमें हमने एक कोर्स रखा, एक फी रखा। बाद में हमने उसको गो किया, और गो करने के बाद हमारे पास अब हम इसको एसक्यूएल में ले गए, एसक्यूएल में किया है। एसक्यूएल में करने के बाद सेव, अब हम ये हमारे पास एसक्यूएल कनेक्ट हो गई है। ऐसे ही डेटाबेस में एसक्यूएल कनेक्ट हो गई है, और ऐसे ही अब हम जावा वो माई एसक्यूएल कनेक्टर इंस्टॉल करेंगे। माई एसक्यूएल कनेक्टर इंस्टॉल करने के लिए हम जावा पे जाएंगे, जावा पे एसक्यूएल कनेक्ट किया है, और एसक्यूएल कनेक्ट करने के एसक्यूएल कनेक्ट करने के लिए हम जाएंगे बिल पाथ पे जाएंगे। बिल पाथ के बाद कॉन्फ़िगर बुल पाथ पे जाएंगे, कॉन्फ़िगर बुल पाथ पे गए हम, और अब हम लाइब्रेरी में जाएंगे, लाइब्रेरी में जाके क्लास पाथ में जाएंगे। क्लास पाथ से क्लिक करके हम ऐड एक्सटर्नल जार में जाएंगे। ऐड एक्सटर्नल जार करने के बाद हमारे पास ये आ गई, माई एसक्यूएल कनेक्ट किया है। एसक्यूएल कनेक्ट करने के बाद हम एसक्यूएल कनेक्टर किया है, अब हमने अप्लाई एंड क्लोज कर दिया। अप्लाई एंड क्लोज करने के बाद अब हमारे पास इधर रेफरेंस लाइब्रेरी आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास अब हम इसके साथ एलिप्स में स्विंग में हम डेटाबेस भी कनेक्ट कर सकते हैं, और एसक्यूएल, और हमारे पास ये लॉगिन का बटन। और ऐसे हम इसके क्लास डायग्राम बना सकते हैं, ये देख। अब हम क्लास पाथ, और इधर हम गए हैं इसकी क्लास डायग्राम। यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए हमने बनाई थी, हमने कोर्स लिया, कोर्स में हमने बीएस रखा है, एमएससी रखी, स्ट्रिंग में रखे, और फी लिया 50,000, और इनको इंट में रखा, और ऐसे ही लॉगिन किया, और जो इनको फुलफिल करेगा वो ही इसको लॉगिन करेगा, और ये हमारी एंड होता है।